ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। ये सब जानते हैं कि बड़े मंदिर में जब आप जाते हैं तो आपकी मुरादें कैसे पूरी होती हैं, और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरुग्राम से दीपिका आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा दृष्टि सारी संगत पर बनी रहे और सबके कष्ट दूर हों। संगत जी, मैं दीपिका गुड़गांव से, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और कुछ भी गलती हो जाए तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से भी और सारी संगत जी से भी, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, पहली बार मैं गुरुजी के बड़े मंदिर अपनी भाभी के साथ गई 2013 या 2014 में, और उस बस गए हम और चाय प्रसाद लेकर के वापस आ गए। कोई भी कनेक्शन उस टाइम नहीं बना, ना हमें गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना गुरुजी के स्वरूप के बारे में मालूम था, और ना गुरुजी के हमें ये भी नहीं मालूम था कि गुरुजी अपना चोला छोड़ चुके हैं। बस हम ऐसे ही गए, किसी ने भाभी को बताया था और हम आ गए। उसके बाद संगत जी, भाभी तो नहीं गई लेकिन मैं, गुरुजी मुझे बुलाते रहे, मैं जाती रही, लेकिन मेरा कनेक्शन नहीं बना, क्योंकि शायद मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं थे, या ये कहिए कि मुझे अभी अपने कष्ट काटने थे, और इसलिए मैं गुरुजी से शायद जुड़ नहीं पाई। संगत जी, गुरुजी मुझे मंदिर बुलाते रहे, मैं जाती रही, बस ऐसे ही मन करता था और चली जाती थी, क्योंकि एक खिंचाव तो था, एक ये था कि बस मैं चली जाऊँ मंदिर, और जाकर मुझे बहुत अच्छा भी लगता था, लेकिन उससे ज़्यादा मैं कुछ भी जानना नहीं चाहा मैंने कभी भी, बस मंदिर जा करके वापस आ जाती थी, अच्छा लगता था। बाकी मैंने गुरुजी के बारे में या कुछ भी मैंने जानना नहीं चाहा। संगत जी, कभी 2 महीने में, कभी 6 महीने में, कभी साल में, ऐसे बस मैं जाती रही। फिर संगत जी, मई 2023 में मेरे अंकल को, उनके किसी दोस्त अंकल ने गुरुजी के बारे में बताया कि कैसे कैसे गुरुजी के बड़े मंदिर जाने पर उनके कष्ट कटे, उनके सारे कार्य सिद्ध होते चले गए। संगत जी, मेरे अंकल जी ने मुझे बताया और कहा कि कभी हम भी गुरुजी के मंदिर चलेंगे, क्योंकि बच्चे बड़े हो रखे हैं और उनके कुछ ना कुछ वो काम वो होते ही रहते हैं, अटकते ही रहते हैं, तो लगता है कि उनको लगा कि गुरुजी के मंदिर जाने से शायद काम हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा। संगत जी, मंदिर कहते तो रहे पर जाने के लिए तैयार नहीं होते थे। मैं जब भी उनसे कहती थी चलें तो कह देते थे नहीं, फिर कभी चलेंगे, फिर कभी चलेंगे। फिर संगत जी, एक दिन गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैंने अपने अंकल को बोला कि चलें, तो वो कहने लगे कि नहीं, आज तुम हो आओ, फिर कभी चलेंगे। उस दिन मैं फिर जाके आ गई, और उसके जुलाई की बात है ये। फिर अगस्त में एक दिन मेरे अंकल जी तैयार हो गए जाने के लिए, हम गए, और उस दिन संगत जी मुझे सबसे अच्छा उसी दिन मुझे अनुभव हुआ, सबसे अच्छा उसी दिन लगा,
उस दिन मेरे आंसू भी निकले और मुझे बहुत अच्छा लगा जा करके। उस दिन हम बाहर मंदिर के बाहर बैठ करके हमने चाय प्रसाद ग्रहण किया और अंदर दरबार में भी हम बैठे और बहुत ही अच्छा लगा। संगत जी, हम गुड़गांव में रहते हैं और यहाँ से मंदिर, बड़े मंदिर तक का एक घंटा लगता है, चाहे गाड़ी से जाएं या मेट्रो से जाएं, एक घंटा लगता है। लेकिन संगत जी, उस दिन हम गाड़ी से गए थे, मैं और मेरे अंकल, और जब वापस आ रहे थे तो एक रेड लाइट खराब होने की वजह से हमें वापस घर आने में 2.5 से 3 घंटे लग गए। और इसी वजह से मेरे अंकल परेशान होकर के कहने लगे कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा कभी, तुम चली जाया करो जब तुम्हारा मन करे। पर संगत जी, मेरे लिए ये एक बड़ा बहुत बड़ा सत्संग है कि मेरे अंकल ने मुझे परमिशन दे दी। मैं उससे पहले मैं जाती थी तो अपने अंकल को बिना बताए जाती थी, अब मैं आराम से जब भी मन करता है उनको बता करके मैं मंदिर चली जाती हूँ। और मेरे अंकल ने मुझे गुरुजी के स्वरूप के लिए भी घर में रखने के लिए मना नहीं किया, ये भी मेरे लिए बड़ा सत्संग है। अब मैं YouTube पर गुरुजी का मंत्र भी सुनती हूँ, सत्संग भी सुनती हूँ। फिर संगत जी, फिर एक दिन गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि तैयारी कर ले, मैं कल तेरे घर आऊँगा। संगत जी, अगले दिन मैं गुरुजी के मंदिर गई और गुरुजी इसी स्वरूप में मेरे साथ आ गए, जो मैंने YouTube पर देखकर सोचा था कि ऐसा स्वरूप गुरुजी का, इसी स्वरूप में गुरुजी आए जिसमें शंकर जी और गुरुजी दोनों हैं। फिर संगत जी, एक दिन अगस्त में, संगत जी जब से मंदिर, बड़े मंदिर मैंने जाना शुरू किया है, घर में बहुत शांति का अनुभव होता है। घर में ही नहीं, मन के अंदर भी बहुत शांति लगती है। ऐसा लगता है बहुत, जैसे ऐसा लगता है जो जीवन में जो चाहिए था वो बस मिल गया है। अब मैं बहुत शांत रहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी, बहुत टेंशन में रहती थी, अब वो सारी चीज़ें नहीं हैं। मेरे अंकल भी बहुत गुस्से वाले हैं, छोटी छोटी बातों पर उनको बहुत तेज गुस्सा आ जाता था, लेकिन जब से हम मंदिर होकर के आए हैं वो भी शांत हो गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब हम अपने आप में, संगत जी, जब हम अपने आप में शांत होते हैं ना, तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का हल अपने आप निकलता चला जाता है। और लेकिन उस मन और आत्मा की शांति के लिए गुरुजी का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। गुरुजी की कृपा हमारे ऊपर होनी बहुत ज़रूरी है, जो हर किसी को नहीं मिलती है। अब मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, सारी संगत बहुत भाग्यशाली है जिनके ऊपर गुरुजी का आशीर्वाद है, या ये कहिए कि गुरुजी ने जिनको अपनी शरण में लिया है। संगत जी, अभी तो बस मैं यही अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। सत्संग तो बहुत सारे और भी बहुत सारे हुए हैं, गुरुजी अपनी उपस्थिति हमेशा महसूस करा देते हैं। अब ऐसा लगता है कि सारे काम जो है ना, बड़े ही आराम से, बिना किसी रुकावट के सब आराम से हो जाते हैं। कोई ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बस गुरुजी का नाम लीजिए, गुरुजी का आशीर्वाद लेके आप काम शुरू कीजिए और आपका काम हो ही जाना है। और काम तो संगत जी हो ही जाते हैं। मेन जो है वो है हमें अपना मन और अपनी आत्मा में जो एक शांति जो चाहिए, और गुरुजी के लिए बस हमेशा ये मन करता है कि बस गुरुजी के मंदिर चले जाएं, गुरुजी के मंदिर चले जाएं। और वहाँ जा करके जो सुकून मिलता है, जो आत्मा को शांति मिलती है, उसका उसके बारे में बता नहीं सकते संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।